दोस्तों लेकर आ गया हूँ पोको का ब्रांड न्यू फोन F5 जिसको पोको ने रिटर्न ऑफ द किंग कहा है। वैसे स्पेसिफिकेशंस के मामले में ये वाकई किंग है क्योंकि इसमें आपको प्रोसेसर मिल जाता है स्नैपड्रैगन का पहला इंडिया में लॉन्च हुआ 7 Plus Gen 2 जिसका एंटीटू स्कोर वोपिंग 9 लाख को भी क्रॉस कर जाता है और साथ में ही मिल जाता है आपको स्टोरेज UFS 3.1 का जो कि बहुत ही शानदार काम करता है और इसमें LPDDR5 का आपको रैम देखने को मिल जाता है। MIUI का इसमें लेटेस्ट आपको 14 वर्जन देखने को मिल जाता है जो कि एंड्रॉइड 13 को सपोर्ट करता है और आप जानते हैं कि जैसे ही 13 बजेगा इस क्लॉक में आपको एंड्रॉइड 13 का ये मजेदार एनिमेशन देखने को मिल जाएगा जिसका खासियत ये है कि इस पे अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको मल्टीपल एनिमेटेड स्क्रीन देखने को मिलेगा जो काफी कलरफुल है काफी मजेदार है। वैसे एंड्रॉइड ने एंड्रॉइड 13 के इस पेज को इतना शानदार और इतना एनिमेटेड कलरफुल क्यों बनाया है अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करें। 5000 mAh का इसमें आपको मैसिव बैटरी देखने को मिल जाता है जिसमें आपको 67 वाट का सोनिक चार्जर दिया गया है जो इस पूरे मोबाइल को 0 to 100% चार्ज करने में मात्र 55 मिनट लेता है। तो ये तो कह सकते हैं कि स्पेसिफिकेशन इस मोबाइल का किंग है मगर क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स में इसमें किंग की तरह आपको दिया गया है ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। इसलिए इस वीडियो में मैंने 75 से ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हिडन फीचर्स इस मोबाइल के कैप्चर किए हैं जिसको अगर आप देखेंगे तो आपको बिलीव ही नहीं होगा कि इतने सारे फीचर्स आपके पोको मोबाइल में थे और आपको बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था। और इन सब फीचर्स को जैसे ही आप जानेंगे तो आप अपने इस पोको मोबाइल को बिल्कुल प्रो यूजर की तरह यूज कर पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु, चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। बढ़ते हैं अपने पहले फीचर की तरफ। तो जैसे ही आप ऊपर से नीचे स्वाइप करेंगे तो आप देखेंगे आपको बिल्कुल ब्रांड न्यू नया वाला कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है जिसमें आपको यहाँ पर म्यूजिक का स्लाइडर देखने को मिल जाता है और इसके ठीक बगल में आपको ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है। अगर इसको आप एक्सेस करेंगे तो आप देखेंगे कि केवल ब्राइटनेस का स्लाइडर आपको दिख रहा है और होम स्क्रीन आ जाता है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे में ताकि आप देख सके कि आपका कितना ब्राइटनेस बढ़ रहा है घट रहा है एक्चुअल रियल टाइम में। और साथ में आपको नए नए टॉगल्स देखने को मिल जाते हैं जैसे स्कैनर का टॉगल यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डर स्क्रीनशॉट का टॉगल देख सकते हैं और यहाँ ऊपर कॉर्नर में आप टाइम को टच करेंगे तो आप देखेंगे कि डायरेक्टली आप क्लॉक ऐप में आ जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बगल में आप देखेंगे आपको डेट भी देखने को मिलता है, इस पे अगर आप टच करेंगे तो आप डायरेक्टली कैलेंडर में आ जाएंगे। और जैसे कि मैं सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स की वीडियो में बताता हूं, आपका हमेशा एक ही क्वेरी रहता है कि ऐप लॉक हाइड एप्स और डुअल एप्स को जरूर से बताया करें हर फोन में अगर वो अवेलेबल है तो इसमें बिल्कुल अवेलेबल है दोस्तों। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा सा नीचे आना है तो आप देखेंगे आपको एप्स देखने को मिलता है और इसके अंदर आपको डुअल एप्स और ऐप लॉक का कॉम्बिनेशन देखने को यहीं पे मिल जाता है। तो डुअल एप्स में जाएंगे, आप जानते हैं डुअल एप्स क्या करता है, एक ही ऐप का एक क्लोन आपको बना देता है आपके मोबाइल में कि आप दो अकाउंट से एक ही ऐप को बिल्कुल यूज कर सके। कैसे करेंगे तो आपको क्रिएट करना है और एग्जांपल के लिए आप इंस्टाग्राम का बना लेते हैं तो बस इंस्टाग्राम में जाना है, डुअल एप्स को यहां से इनेबल कर देना है, ये बोलेगा टर्न ऑन करने के लिए, टर्न ऑन कर दीजिए और देखिए क्रिएटिंग डुअल ऐप का आपको एक बहुत बढ़िया एनिमेशन आपको देखने को मिल जाता है और ये बोल देता है क्रिएटेड डुअल ऐप सक्सेसफुली। तो अभी देखेंगे कहां, तो ऑब्वियसली आपको ऐप ड्रॉअर में जाना है, इंस्टाग्राम जहां पर है वहां पर सर्च कीजिए और यहां पर आप देख सकते हैं ये आपका ओरिजिनल इंस्टाग्राम है और ये डुअल ऐप का इंस्टाग्राम है जिसका पहचान ये है कि आपको ऑरेंज कलर का एक छोटा सा लोगो नीचे में देखने को मिल जाता है। फायदा जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इस इंस्टाग्राम में आप एक अकाउंट से लॉग इन कर सकते हैं और इस इंस्टाग्राम में आप दूसरे अकाउंट से लॉग इन कर सकते हैं, यानी एक ही मोबाइल में दो दो इंस्टाग्राम दो दो अकाउंट से आप चला सकते हैं, आपको दो मोबाइल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब वापस बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आपको डुअल ऐप के नीचे ऐप लॉक देखने को मिल जाता है। तो ऐप लॉक का काम ये है कि आपके ऐप को लॉक कर देता है ताकि आप अपने बायोमेट्रिक्स हैं उसको खोल सके, चाहे वो आपका फिंगरप्रिंट सेंसर हो, फेस अनलॉक हो या फिर पैटर्न हो। एग्जांपल के लिए पहले किसी भी ऐप को ओपन करके देख लेते हैं कि वो ऐप ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है और आप देख सकते हैं अमेज़न बहुत आसानी से ओपन हो जाता है। अब वापस हम लोग जाएंगे अपने ऐप लॉक में, टर्न ऑन करेंगे और ये बोलेगा एक आपको पैटर्न देने के लिए जिस ताकि ये आइडेंटिफाई कर सके कि वो पैटर्न सही है कि नहीं। आपको एक पैटर्न क्रिएट कर देना है जो भी आपको सही लगता हो और यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है और आप देख सकते हैं आपको ये बोलता है कि MI अकाउंट में साइन इन करने का, मगर ये मैंडेटरी नहीं है इसलिए आप नॉट नाउ यहाँ पे कर दीजिए। मगर आप तो जानते हैं कि ये आपको बिल्कुल Xiaomi अकाउंट में लॉगिन करा के ही मानेगा, लेकिन नॉट नाउ आपके पास ऑप्शन हमेशा है। और देखते हैं कि ऐप लॉक कैसा काम करता है। तो ऐप लॉक में सबसे पहले आपको एक पैटर्न क्रिएट करना होगा ताकि आप उस पैटर्न की मदद से ऐप लॉक को ओपन कर सकें। तो ऐप लॉक यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर आपको सारे के सारे ऐप्स देखने को मिल जाते हैं जिसको आप लॉक कर सकते हैं। आप फेस डेटा यूज कर सकते हैं, आप बायोमेट्रिक यूज कर सकते हैं, आप पैटर्न लॉक यूज कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। तो ये सारे के सारे ऐप्स हैं जिसको आप इनेबल कर सकते हैं ऐप लॉक के लिए। तो मैंने अभी चेक किया था इंस्टाग्राम का
डुअल ऐप को, इसी को हम लोग लॉक कर देते हैं। तो देखिए जिस भी ऐप को आपने लॉक किया है वो बिल्कुल ऊपर में आ जाता है ताकि आप आसानी से देख सके कौन कौन सा ऐप आपका लॉक है। अब ये ऐप लॉक हो चुका है, मैंने अभी आपको दिखाया था कि वो बहुत आसानी से खुल रहा था, तो क्या अब आसानी से खुलता है? इसके लिए आपको ऐप ड्रॉअर में जाना है, ऑब्वियसली आपको सर्च करना है डुअल ऐप इंस्टाग्राम को, इसको आपको ओपन करने की कोशिश करना और देखिए ये लॉक हो जाता है। अब या तो आप फिंगरप्रिंट सेंसर से इसको दे सकते हैं या फिर आप पैटर्न दे सकते हैं, जो भी पैटर्न आपने बनाया है और वो पैटर्न देंगे तभी ये ओपन होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बहुत ही कमाल का हिडन फीचर दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप ये रिसेंट्स में जाएंगे, ये क्लोज बटन है, इसको अगर आप लॉन्ग टैप करके रखेंगे तो आप डायरेक्टली मैनेज ऐप्स में आ जाते हैं, जहाँ आप अपडेट, अनस्टॉल, फाइंड ऐप्स, परमिशन, सारा का सारा ऐप्स को बिल्कुल एक जगह पर देख सकते हैं। वैसे मैनेज ऐप्स आपको मैंने दिखाया था कि आप सेटिंग्स में भी जाएंगे, ऐप्स में जाएंगे तो यहाँ पर मैनेज ऐप्स देख सकते हैं। और इसमें एक कमाल का चीज ये होता है दोस्तों कि आपका कोई भी सिस्टम ऐप है, चाहे स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, एक बग है जिससे वो ऑटोमेटिकली अनइंस्टॉल हो जाता है और आप खोजते रहते हैं आपके मोबाइल में कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग कहाँ गया, मिल नहीं रहा है। तो आपको कहीं भी भटकना नहीं है ऐप्स में, आप यहाँ पर अनइंस्टॉल सिस्टम ऐप्स में आ जाइए और यहाँ पर डेफिनेटली स्क्रीन रिकॉर्डर रहेगा जिसको आप रीस्टोर कर सकते हैं यहाँ से। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो आप अपने स्क्रीन को लॉक कर देते हैं और डबल टैप करते हैं तो आप लॉक स्क्रीन में आ जाते हैं और यहाँ से आप स्वाइप इन करते हैं तो आप देखते हैं आप कंट्रोल सेंटर को एक्सेस कर सकते हैं। आप चाहे तो वाईफाई को इनेबल कर सकते हैं, आप चाहे तो लोकेशन को इनेबल कर सकते हैं, जो आपको बहुत अजीब सा लगता है क्योंकि अगर आपका स्क्रीन लॉक है इसका मतलब ये है कि आप लॉक करके अपने ऑफिस में कहीं बाहर गए हुए हैं, आपके डेस्क पर रखा हुआ है या आपके घर पर रखा हुआ है, कोई भी इसको यहाँ से एक्सेस कर सकता है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो नोटिफिकेशन को भी कोई भी एक्सेस कर सकता है और यहां से कंट्रोल सेंटर को कोई भी एक्सेस कर सकता है, जबकि आपका फोन लॉक है, जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपके मोबाइल की सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा खतरा है, तो ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि आपके सिक्योरिटी पे इस तरह का कोई भी खतरा ना रहे, कोई भी आपके मोबाइल को लॉक में यूज ना कर सके, तो आप क्या करेंगे? तो ऑब्वियसली इसके लिए आपको अपने सेटिंग्स में जाना होगा, नीचे स्क्रॉल करेंगे और आप देखेंगे नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसमें आपको लॉक स्क्रीन में जाना है और यहां पर आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिल जाता है कि लॉक स्क्रीन में आप क्या चाहते हैं, नोटिफिकेशन कंटेंट दिखाना चाहते हैं, केवल नोटिफिकेशन दिखाना चाहते हैं, कंटेंट नहीं दिखाना चाहते हैं, या नोटिफिकेशन आप लॉक स्क्रीन में दिखाना ही नहीं चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये इनेबल कर लेना है, उसके बाद बैक जाना है, उसके बाद फिर से बैक जाना है और यहाँ नीचे आना है तो आप देखेंगे आइटम शो ऑन द लॉक स्क्रीन आफ्टर स्वाइपिंग डाउन, इसमें भी आपको दिखता है कंट्रोल सेंटर इनेबल है, फटाक से डिसेबल कर देना है। अब आप देखिए अपने मोबाइल को आप लॉक करते हैं और डबल टैप करते हैं ताकि आपका लॉक स्क्रीन आ जाए। अब ऊपर नीचे आप स्वाइप करेंगे तो आप देखेंगे कुछ भी नहीं होगा, ये आपसे पैटर्न मांगेगा। इनफैक्ट अगर आप लेफ्ट से करेंगे नोटिफिकेशन के लिए तो भी ये आपसे पैटर्न मांगेगा, यानी कि अब आपकी लॉक स्क्रीन पर नोटिफिकेशन या फिर कंट्रोल सेंटर कभी भी नहीं आ सकता है और आपके सेफ्टी को किसी भी तरह का खतरा नहीं हो सकता है। और नेक्स्ट हिडन फीचर के लिए अगेन हम लोग को सेटिंग्स में जाना है, नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर में ही जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको नोटिफिकेशन इफेक्ट देखने को मिल जाता है, यानी किसी भी तरह का नोटिफिकेशन आता है, चाहे वो मिस कॉल का हो या फिर कोई भी SMS हो, कुछ भी हो, व्हाट्सएप में मैसेज हो, तो आप इस तरह का नोटिफिकेशन इफेक्ट देख सकते हैं, जो स्टार लाइट है जो सबसे कमाल का एनिमेशन है, वरना आप सिंपल में चाहे तो रेड में आप देख सकते हैं, एज ग्लो कर सकता है, ब्लू में भी आप देख सकते हैं, एज ग्लो करा सकते हैं या फिर आप स्क्रीन को लाइट अप करा सकते हैं, या नोटिफिकेशन इफेक्ट नहीं चाहिए तो नन कर सकते हैं, मगर मेरा पर्सनल फेवरेट स्टार लाइट है, ये बहुत ही मजेदार होता है, आपको भी यूज करना ही चाहिए। और इसके नीचे अगर आप आएंगे तो आप कंट्रोल सेंटर स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, पुराना कंट्रोल सेंटर चाहिए तो आप ये कर सकते हैं, नया वाला कंट्रोल सेंटर के लिए आपको ये न्यू वर्जन को इनेबल करना है। अगेन बैक जाएंगे, सबसे नीचे स्टेटस बार में आएंगे, नोटिफिकेशन आइकॉन यहां पर आप देखना चाहते हैं तो यहां से इनेबल कर सकते हैं, वरना आप डिसेबल कर सकते हैं, आपको यहां पर कोई भी नोटिफिकेशन आइकॉन नहीं दिखेगा। डेटा से आप हमेशा कनेक्ट रहते हैं, चाहे वाईफाई हो चाहे मोबाइल डेटा हो, तो शो कनेक्शन स्पीड को इनेबल कर दीजिए तो यहाँ पर आपको डेटा का कनेक्शन स्पीड लाइव दिखाएगा कि कितना आपका डेटा का कनेक्शन स्पीड है। इसके बाद बैटरी इंडिकेटर आप देख सकते हैं, बहुत ही सूना सूना सा है, परसेंटेज तो दिखाई नहीं रहा है, तो इसमें जाएंगे, यहाँ पर आप बैटरी परसेंटेज दिखा सकते हैं, आप देख सकते हैं 47% अभी बैटरी चार्ज है। इसके बाद आप चाहते हैं ये जो नॉच है ये हाइड हो जाए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ जाएंगे और यहाँ हाइड नॉच को करेंगे तो आप देखेंगे कि बेजल बहुत बड़ा हो जाता है, चिन्ह ही छोटा रहता है जो देखने में अजीब लगता है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि नॉच को हाइड ना करें, वैसे भी इस मोबाइल में बेजल और चिन्ह नहीं के बराबर है तो आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और दोस्तों अगर आप गौर कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं ये पोको F5 फोन जो है वो 5G प्लस से कनेक्टेड है, 4G प्लस यानी 4G और 5G दोनों में आपको कैरियर एग्रीगेशन इसमें देखने को मिल जाता है, डेटा स्पीड शानदार है, कॉल ड्रॉप का बिल्कुल भी समस्या नहीं होगा। और उससे ही मजेदार बात यह है कि अगर आप वाईफाई से कनेक्टेड हैं तो आप यहाँ पर हॉटस्पॉट को ऑन कर सकते हैं, वाईफाई टेथरिंग को ये सपोर्ट करता है, यानी कि आप अपने फैमिली को फ्रेंड्स को वाईफाई डायरेक्ट दे सकते हैं, उनको किसी भी तरह का पासवर्ड का जरूरत नहीं होगा इस वाईफाई को एक्सेस करने में। और जैसा कि मैंने आपको टॉगल में बताया कि आपको यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर और स्क्रीन शॉट एक साथ देखने को मिल जाता है, तो चलिए बारी बारी से इसका फीचर देख लेते हैं। तो लॉन्ग टैप करके रखेंगे तो आप इसके प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे, जिसमें सबसे पहले आपको रेजोल्यूशन सेट करना है, फुल HD रेजोल्यूशन में ये आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकता है, वीडियो क्वालिटी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं 16 MBPS से लेकर आप देख सकते हैं मैक्सिमम 60 MBPS तक ये सपोर्ट करता है, ओरिएंटेशन ऑटो होगा, पोर्ट्रेट होगा, लैंडस्केप होगा, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और जहां तक साउंड सोर्स की बात है तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, या तो आप म्यूट कर सकते हैं या माइक रख सकते हैं
या सिस्टम साउंड रख सकते हैं। और फ्रेम रेट की बात कर ले तो 24 FPS से लेकर मैक्सिमम 30 FPS तक ये सपोर्ट करता है। इसके बाद अगर आप टच जेस्चर शो करना चाहते हैं तो यहाँ से इनेबल कर दीजिए, और जो टैप है बटन का उसको आप दिखाना चाहते हैं अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग में तो यहाँ से इसको इनेबल कर दीजिए। अब दोस्तों रात में आप सोते हैं आपको मोबाइल जागता रहता है, मॉर्निंग में आप देखते हैं कि 5%, 10%, 15% बैटरी जो है रात में खपत हो जाता है, और आपका शिकायत ये होता है कि इतना बैटरी परसेंटेज रात में क्यों खत्म होता है। आप क्या इसको बचा सकते हैं? बिल्कुल बचा सकते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, आप देखेंगे इसमें आपको बैटरी देखने को मिल जाता है, और बैटरी के बगल में आपको एक और बैटरी देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर स्क्रीन पावर ऑन ऑफ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसमें पावर ऑफ टाइम और पावर ऑन टाइम आप यहाँ मैनुअली दे सकते हैं। पहले तो इसको इनेबल कर लेना है। रात में आप कितना बजे सोते हैं? 11 बजे सोते हैं, 11:30 बजे सोते हैं, 12 बजे सोते हैं, जब भी सोते हैं बस यहाँ पे आपको टाइम देके ओके कर देना है। और कब कब करना है? अगर एवरीडे करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वरना वीकडे में कर सकते हैं। वीकेंड में तो आपको जरूरत ही नहीं, क्योंकि वीकेंड में तो ऑब्वियसली आप ज्यादा मोबाइल देखते होंगे, तो वीकडे कर दीजिए। ठीक उसी तरह से रात को 11:30 बजे अगर पावर ऑफ होगा आपका ऑटोमेटिकली मोबाइल, तो पावर ऑन भी होना है। तो कब होगा? तो जब आप सुबह में उठते हैं। कितने बजे उठते हैं? 7 बजे उठते हैं, 7:30, 6 जो भी है यहाँ पर सेट करके ओके कर दीजिए। और अगेन एवरीडे क्यों करेंगे? जब पावर ऑफ हो रहा है वीकडे में तो पावर ऑन भी होना चाहिए वीकडे में। अब यहाँ पर आपको ओके कर देना है, और फायदा ये होगा कि रात को 11:30 बजे और शार्प आप सोएंगे, आपका मोबाइल भी सोएगा, और मॉर्निंग में आप 7 बजे उठेंगे, आपका मोबाइल भी आपके साथ जागेगा। तो रात में जो बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम था वो 100% सॉल्व हो जाएगा। आपका अगर बैटरी था 99%, 98%, 90%, मॉर्निंग में भी 90%, 99%, 98% ही रहेगा, घट कर ये बिल्कुल भी कम नहीं होगा। ठीक इसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग्स का आइकन मिलता है, इसमें जाएंगे, टर्न ऑफ मोबाइल डेटा व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड, इसको आपको जरूर से इनेबल करना चाहिए, 5 मिनट में ही कर दीजिए, ताकि आपका मोबाइल अगर लॉक हो तो डेटा ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाए, ताकि आपका डेटा ही बचे, आपका फोन का रिसोर्स भी बचे, और फोन आपका गर्म ना हो, फास्ट चले। इसके बाद नीचे आएंगे तो बैटरी ड्रेन नोटिफिकेशन जरूर से इनेबल करके रखिए, ताकि जो भी ऐप आपके बैटरी को चूस रहा है वो बता दे ये मोबाइल की ये ऐप है, फिर आप उसको या तो अनइंस्टॉल कर दीजिए या ब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि वो ऐप आपके मोबाइल के सेहत के लिए ठीक नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा नीचे आएंगे तो आप साउंड एंड वाइब्रेशन में जाएंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे आपको साउंड असिस्टेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको एडजस्ट मीडिया साउंड इन मल्टीपल एप्स को इनेबल कर देना है, मल्टीपल ऑडियो रिसोर्सेज को इनेबल कर देना है। अब इसका फायदा क्या होगा कि मल्टीपल एप से अगर आप साउंड को सुन रहे होंगे तो उन साउंड को आप इंडिविजुअली एक्सेस कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस वॉल्यूम को एक्सेस करना है। वॉल्यूम बटन जैसे ही दबाएंगे एक छोटा सा म्यूजिक का आइकॉन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी मल्टीपल ऐप यूज कर रहे हैं, चाहे आप गाना कर रहे हैं, स्पॉटिफाई कर रहे हैं, यहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं गाना के ऐप के आप साउंड को इंडिविजुअली एक्सेस कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक उसी तरह से म्यूजिक ऐप को भी आप इंडिविजुअली बढ़ा घटा सकते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं ओवरऑल मोबाइल के म्यूजिक को भी आप यहां से बढ़ा घटा सकते हैं इंडिविजुअली। अब दोस्तों पोको F5 मोबाइल का एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज ये है कि आपको ये गूगल डायलर के साथ नहीं आता है, आपको ये MIUI डायलर के साथ आता है। फायदा क्या है? चुपके से आप कॉल को रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ना सामने वाले को सुनाई देगा योर कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड, ना आपको सुनाई देगा, यानी किसी को भी पता नहीं रहेगा कि आप कॉल को चुपके से रिकॉर्ड कर रहे हैं, और किसी भी तरह का अनाउंसमेंट नहीं होगा। ये बहुत ही बढ़िया बात है। मेरे अनुसार रेडमी पोको MI सारे मोबाइल में MIUI डायलर को ही देना चाहिए, ताकि कोई भी तरह का अनाउंसमेंट ना हो और चुपके से सब लोग कॉल को रिकॉर्ड कर सके और किसी को पता भी ना चले। वैसे MIUI 14 से याद आया कि आपको यहाँ पर बहुत सारे विजेट्स देखने को मिल जाते हैं, बस आपको लॉन्ग टैप करके रखना है, होम स्क्रीन पे विजेट्स में जाना है, और आप देख सकते हैं आपको टन्स ऑफ विजेट्स यहाँ देखने को मिल जाते हैं, जिसको आप यहाँ से आराम से एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ पर ऑल में जाकर आप इसको ऐड कर सकते हैं अपने होम स्क्रीन पे। एग्जांपल के लिए क्लॉक का विजेट है, बस इसमें आपको जाना है, और इसको अगर ऐड करना है तो पहले आपको ऑब्वियसली डाउनलोड कर लेना है, और जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा तो आपको ऐड टू होम स्क्रीन कर देना, और देखिए यहाँ पर आके बैठ जाता है। ठीक इसी तरह से मल्टीपल विजेट आप और चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर जा सकते हैं, अगेन आपको ऑल में जाना है, और जो भी विजेट आपको अच्छा लगता है। मेरे को सिक्योरिटी का विजेट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें आपको बैटरी भी दिखाता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आप रैम को जब चाहे फ्री कर सकते हैं, बस आपको ऐड कर देना है, और ये देखिए यहाँ पर आके बैठ जाता है। बस यहाँ पर एक छोटा सा बटन आपको दिया गया है, बस इसको आपको टच कर देना, और देखिए बहुत ही बढ़िया एनिमेशन के साथ काम करना शुरू कर देता है, और ये आपका रैम को बिल्कुल फ्री कर देता है, बूस्टेड सक्सेसफुली बता देता है। और यहाँ का एनिमेशन तो आप जानते ही, अगर आप उसको उड़ाएंगे तो आप देखेंगे कितना बढ़िया एकदम बिल्कुल स्टारलाइट की तरह एनिमेशन आके उड़ेगा, और जब आप ऐड करेंगे तो भी आपको एक बहुत ही बढ़िया एनिमेशन देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगेन हम लोग सिक्योरिटी में जाते हैं और ये बैटरी वाला ही ऐड कर देते हैं, तो बस यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे, और देखिए कितना बढ़िया एनिमेशन के साथ बिल्कुल स्वर्ल्ड इफेक्ट के साथ ये आता है, और आप यहाँ पर ओके कर देंगे, और देखिए यहाँ पर ये होम स्क्रीन पे जाके बैठ जाता है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, सबसे नीचे आएंगे, एडिशनल सेटिंग्स में जाएंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे फ्लोटिंग विंडोज में आपको साइड बार देखने को मिल जाता है, जो बहुत ही फायदेमंद है, बस यहाँ से आपको इसको इनेबल कर लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको साइड बार देखने को मिल जाता है, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको सारा का सारा ऐप देखने को मिल जाता है, जिसको अगर आप ओपन करना चाहें तो बस टच करेंगे, और देखिए फ्लोटिंग विंडो में
खुल जाता है। और हिडन फीचर सिर्फ यही नहीं है कि आप यहाँ से फ्लोटिंग विंडो में किसी ऐप को खोल सकते हैं, अगर आप किसी और ऐप को भी खोलना चाहें तो आप देख सकते हैं कि अब आप दो दो ऐप को खोल सकते हैं। ये दो दो ऐप सपोर्ट करता है आपके फ्लोटिंग विंडो में साइड बार से। और फ्लोटिंग विंडो का आपको खासियत पता है, यहाँ से पकड़ के आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं, यहाँ से पकड़ के आप इसको रिसाइज कर सकते हैं। और आपको लगता है कि अभी इसका जरूरत नहीं है तो यहाँ पर इसको ले जाकर प्लेस कर दिए, देखिए छोटा होकर यानी मिनी विंडो होकर प्लेस हो जाता है। और जब तक ये मिनी विंडो में है आप इस विंडो को पकड़ सकते हैं, फ्लोटिंग विंडो को आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप उसको बड़ा करना हो तो नीचे से पकड़ कैसे कर दीजिए, देखिए फुल स्क्रीन हो जाएगा। और आपको लगता है कि नहीं ये मिनी विंडो का आपको जरूरत है, आपको इसको एक्सेस करना है, टैप कर दीजिए, देखिए ये आ जाता है। और आपको लगता है अब इसका जरूरत नहीं है तो नीचे से पकड़ के इसको ऊपर स्वाइप कर दीजिए, देखिए ये गायब हो जाएगा। और साइड बार से आपने फ्लोटिंग विंडो खोला। अगर आप चाहते हैं कि रिसेंट से फ्लोटिंग विंडो खोलना तो उसको कैसे करेंगे, तो आप रिसेंट में जाएंगे, यहाँ पर लॉन्ग टैप करके रखेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनी विंडो यानी फ्लोटिंग विंडो का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया फ्लोटिंग विंडो को यहाँ से पकड़ के ऊपर की ओर कर दीजिए, देखिए गायब हो जाएगा। वापस हम लोग साइड बार में आ जाते हैं और साइड बार को अगर आपको कस्टमाइज करना हो तो इस ऑप्शन में जाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलवेज शो के अलावा गेम्स में आप देख सकते हैं साइड बार इनेबल रहेगा। जो भी गेम आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड है, जैसे मेरे में एक गेम इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पर है, मल्टीपल गेम होता तो मल्टीपल में आ जाता है। किसी और ऐप में करना चाहते हैं तो मैनुअली आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। बैक जाएंगे और वीडियो ऐप में भी अपने साइड बार को आप इनेबल कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए यूट्यूब में मैं इसको इनेबल कर देता हूँ। अब फटाक से हम लोग यूट्यूब में चलेंगे और देखेंगे साइड बार काम करता है कि नहीं करता है। तो यूट्यूब में आ गए और यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड बार देखने को मिल जाता है, बस यहाँ से आपको एक्सेस कर लेना है। अगेन आपको साइड बार में आप जानते हैं कि किसी भी ऐप को आप ओपन करेंगे तो ये फ्लोटिंग विंडो में यहाँ भी ओपन होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, साइड बार में अगर आप देखेंगे तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कास्ट कर सकते हैं किसी एक्सटर्नल डिवाइस में। आपको वेरियस स्टाइल देखने को मिल जाता है, आप यहाँ पर फिल्टर के रूप में चेंज कर सकते हैं, जो भी आप रेट्रो चाहते हैं, सिनेमा चाहते हैं, ओरिजिनल चाहते हैं। और यहाँ पर ही आप देख सकते हैं स्टाइल के बगल में आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और साथ में ही यूट्यूब का प्रीमियम फीचर देखने को मिल जाता है जो फ्री में आपको मिलता है, यानी कि आप वीडियो प्ले कर सकते हैं और साउंड को आप ऑन रख सकते हैं, भले ही आप स्क्रीन को ऑफ क्यों ना कर दें। यानी कि कभी कभी आपको रिक्वायरमेंट ये होता है कि आप अपने स्क्रीन को ऑफ कर दें, वीडियो प्ले करें, साउंड को आप सुनते रहें ताकि आपका बैटरी बचे, आपका मोबाइल गर्म ना हो। तो यूट्यूब में ये फीचर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, बस इसको आपको इनेबल कर देना है। और जब हम लोग फ्लोटिंग विंडो की बात कर रहे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोग स्प्लिट स्क्रीन की बात ना करें? तो स्प्लिट स्क्रीन में जाने के लिए आप जानते हैं अगेन आपको क्या करना है, लॉन्ग टैप कर रखना है किसी भी स्क्रीन को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है और ये प्ले स्टोर ऑटोमेटिकली स्प्लिट स्क्रीन में आ जाता है। अब दूसरे में आपको किसी को भी लाना हो तो आप क्रोम को ला सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट ऊपर में प्ले स्टोर आ जाता है, नीचे में क्रोम आ जाता है। और यहाँ डिवाइडर आपको बीचों बीच देखने को मिल जाता है जिसकी मदद से आप किसी को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए ऊपर में प्ले स्टोर छोटा हो जाता है, नीचे क्रोम बड़ा हो जाता है, या फिर आप चाहें तो इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। और आपको लगता है कि नहीं आपको सिर्फ प्ले स्टोर चाहिए, क्रोम नहीं चाहिए, तो प्ले स्टोर को ऐसे कर दीजिए, देखिए पूरा पूरा फुल स्क्रीन में प्ले स्टोर आ जाएगा। और अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो आप कोई भी गेम को खेलते हैं, जैसे कि आपने देखा था मैंने एक गेम यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, जैसे ही आप गेम ओपन करेंगे तो गेम टर्बो बूस्टेड सक्सेसफुली आपको दिखाएगा और गेम जैसे ही इनेबल हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको साइड बार देखने को मिल जाता है और अगेन आपको इतना सारा ऐप देखने को मिल जाता है जो फ्लोटिंग विंडो में ओपन हो सकता है। मगर मजे की बात वो नहीं है, मजे की बात ये है कि आपको गेम टर्बो जो सक्सेसफुली बूस्ट हुआ था वो देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप मेमोरी क्लियर कर सकते हैं, यहाँ से आप स्टोरेज को फ्री अप कर सकते हैं और आपको बूस्ट परफॉर्मेंस का ऑप्शन यहाँ देखने को मिल जाता है। बस इस बटन को आपको टच कर देना है और ये देखिए बूस्ट कर देता है परफॉर्मेंस को। और देख सकते हैं यहाँ पर आपको FPS मीटर दिखाता है और यहाँ पर आपको पहले दिखाता है कितना FPS था और क्लियरली डिफरेंस आप देख सकते हैं 15 और 61 FPS का डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप और भी ज्यादा परफॉर्मेंस चाहते हैं तो इस परफॉर्मेंस मोड को यहाँ से इनेबल कर सकते हैं और देखिए कलर चेंज हो जाता है और ये बताता है कि ये और भी बहुत ही भयानक परफॉर्मेंस मोड में आ चुका है। और उसके बाद आप देख सकते हैं D&D मोड में यहाँ पर स्क्रीनशॉट है, रिकॉर्ड है, सेटिंग्स है, आप यहाँ पर वेरियस ऑप्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। और जो सबसे कमाल का चीज ये है कि आपको वॉइस चेंजर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। पहली बार यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको अलाउ कर देना है परमिशन को। और उसके बाद आप वॉइस चेंजर में जाएंगे तो आप देख सकते हैं आपको वेरियस वॉइसेस देखने को मिल जाता है, जैसे गर्ल का वॉइस है, वुमेन है, कार्टून है, रोबोट है, मैन है, तो जो भी आप यहाँ पर चाहे कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर कार्टून का ही कर लेते हैं। देख सकते हैं वॉइस चेंजर इज ऑन यहाँ पर बताता है और यहाँ पर आप सैंपल देख सकते हैं 10 सेकंड के लिए बस इस बटन को दबा के। तो चलिए आपको डेमो दिखाते हैं कि ये कैसा काम करता है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन। तो जैसा कि आपने देखा कि वॉइस चेंजर की मदद से आप अपने वॉइस को चेंज कर सकते हैं। ये फायदा तब करता है जब आप अपने गेम को स्ट्रीम करते हैं ऑनलाइन और आप चाहते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट आवाज से आप अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने फॉलोअर्स को आश्चर्यचकित कर दे कि कैसे आप ऐसा ऐसा आवाज निकालते हैं अपने मोबाइल से गेमिंग के दौरान। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो अपने पोको मोबाइल में स्वाइप करते हैं राइट में तो आप देखते हैं कि यहाँ पर कुछ आ जाता है एप
फॉल्ट जैसा जो आपको काफ़ी अनवाइंग लगता है, इसमें काफ़ी एड्स आपको भर भर के दिखाता है और बहुत सारा कंटेंट है जो आपको समझ में ही नहीं आता है, तो आपको लगता है कि नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो उसके लिए आपको होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाना होगा, जिसके तीन तरीके हैं, मैं हमेशा अपने टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो में बताता हूँ। पहला तरीका ये है कि आप अपने होम स्क्रीन पर कहीं भी लॉन्ग टैप करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बस इसमें आपको जाना है और वेरियस ऑप्शन यहाँ देखने को मिल जाता है जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, और इसमें आपको मोर में जाना है, और इसके अंदर आप जाएंगे तो आप देखेंगे होम स्क्रीन के सेटिंग्स में आप जा देते हैं जिसमें आपको माइनस वन स्क्रीन मिल जाता है, जिसमें आपको ऐप बॉर्ड देखने को मिल जाता है, आप चाहे तो इसमें गूगल डिस्कवरर कर सकते हैं या नन कर सकते हैं। और अपने होम स्क्रीन पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे जैसे ही आप ओके करेंगे अब आप राइट स्वाइप कर रहे हैं तो कोई भी तरह का स्क्रीन नहीं आ रहा है जो आपको अनोइंग लगे और किसी भी तरह का आपको एड वैड मिले और पीसफुली आप अपने मोबाइल को यूज कर सकते हैं। मगर होम स्क्रीन में सिर्फ वही सेटिंग नहीं था दोस्तों, बहुत सारा कमाल का सेटिंग है जो हिडन है जो आपको नहीं पता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप रिसेंट्स में जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपको एप्स जितने भी हैं सारे वर्टिकल यहाँ पे मिलता है, आपको लगता है नहीं आईफोन की तरह हॉरिजॉन्टल मिले ताकि आप उसको आसानी से उड़ा सके एक्सेस कर सके, यहाँ है कि आपको यहाँ से राइट स्वाइप करना है तब ये उड़ेगा, हॉरिजॉन्टली रहेगा तो ऊपर उड़ाते जाएंगे उड़ता जाएगा बहुत आसान होता है। तो हॉरिजॉन्टल करने के लिए आपको क्या करना होगा, यानी आपको होम स्क्रीन की सेटिंग्स में जाना होगा, लॉन्ग टैप करके रखना है, फिर आपको सेटिंग्स में जाना है, मोर में जाना है, और होम स्क्रीन की सेटिंग में सबसे नीचे आना है तो आप देख सकते हैं अरेंज आइटम्स इन रिसेंट्स है, यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देखते हैं वर्टिकली अभी आपका सिलेक्टेड है, अभी आपको हॉरिजॉन्टली सिलेक्ट कर लेना है। अब अगर आप रिसेंट्स में जाएंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल आईफोन की तरह हॉरिजॉन्टली आता है, उड़ाना है तो ऐसे करके आप आराम से उड़ा सकते हैं। और सिर्फ इतना ही, रिसेंट्स में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे आपको शो मेमोरी स्टेटस दिखाता है, यानी कि आप रिसेंट्स में जाते हैं तो आपको कहीं भी यहाँ मेमोरी का स्टेटस नहीं दिखा रहा है कि रैम कितना खाली है कितना भरा हुआ है, उसके लिए आपको यहाँ पर शो मेमोरी स्टेटस कर देना है। अगेन आप रिसेंट्स में जाएंगे तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं आपको ये दिखाता है कि कितना रैम है जो खाली है और टोटल कितना रैम है आपके मोबाइल में। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप यहाँ पर ब्लर ऐप प्रीव्यूज देख सकते हैं, यानी कि रिसेंट्स में अगर आप कोई ऐप को ब्लर करना चाहते हैं, कोई कॉन्फिडेंशियल ऐप है जैसे बैंक का ऐप है, गैलरी है, आप नहीं चाहते हैं कोई भी ताक झाक करके आपके रिसेंट्स में आपके उस ऐप के डेटा को देखे। एग्जाम्पल के लिए आप रिसेंट्स में जाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एमआई स्टोर अभी बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। अभी हम जाएंगे ब्लर ऐप प्रीव्यूज में और एमआई स्टोर को ही ब्लर करने की कोशिश करेंगे। बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हैं कैमरा गैलरी को इसने ब्लर कर दिया है जो कि रेकमेंडेड है, तो हम लोग इसमें नीचे जाएंगे एमआई स्टोर को सर्च करेंगे कहां पर है, और आप देख सकते हैं एमआई स्टोर यहां पर है, बस यहां से इसको इनेबल कर देंगे। अब हम लोग रिसेंट्स में जाएंगे तो आप देख सकते हैं जो एमआई स्टोर अभी बिल्कुल क्लियर दिख रहा था आप देखिए बिल्कुल ब्लर हो गया, यानी कोई भी ताक झांक करके आपके एमआई स्टोर के डेटा को देख नहीं सकता है कि क्या था। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें अगर आप बैक जाएंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं कि शो सजेशंस भी है, यानी कि आपको सजेशन भी ऐप के रूप में दिखाएगा, जैसे यहां क्लीनर है, सिक्योरिटी स्कैन है, फाइंड ऐप्स है, गेम्स है। और दोस्तों इसमें कमाल का चीज ये है कि आप जानते हैं कि आपके मोबाइल में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, मगर आप चाहते हैं एनिमेशन और भी फास्ट हो जाए तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो अगेन आपको होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाना है। इस बार चलिए दूसरे तरीके से चलते हैं, दो उंगलियों से बस ऐसे आप स्क्वीज करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर आप सेटिंग्स में आ जाते हैं, उसके बाद आप मोर में जाएंगे तो होम स्क्रीन के सेटिंग्स में आ जाते हैं, और यहाँ पर एनिमेशन स्पीड आप देख सकते हैं रिलैक्स्ड है, इसको आप बस आपको फास्ट कर देना है। अब आप देखिए बिल्कुल मक्खन की तरह आपका मोबाइल जो है वो काम करेगा, 120 हर्ट्ज का बिल्कुल मैक्सिमम यूसेज आप ले सकते हैं, पहले से डेफिनेटली आपको फील होगा कि आपका फोन जो है बिल्कुल मक्खन की तरह काम कर रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें अपडेट देखने को मिल गया है, यानी कि पोको इस मामले में काफी शानदार अब काम कर रहा है, 2 साल का आपको इसमें अपडेट देखने को मिलेगा एंड्रॉइड का, यानी एंड्रॉइड 13 के साथ तो ये आता ही है तो एंड्रॉइड 14 एंड्रॉइड 15 मिलेगा, और 3 साल का इसमें आपको सिक्योरिटी अपडेट भी देखने को मिलेगा जो बहुत ही शानदार बात है। चलिए अब तीसरे तरीके से जाते हैं होम स्क्रीन के सेटिंग्स में, इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको होम स्क्रीन ऑप्शन मिल जाता है, बस इसमें जाना है तो एनिमेशन स्पीड के ठीक नीचे आप देख सकते हैं आपको सिस्टम नेविगेशन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको बटन और जेस्चर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। आईफोन की तरह अगर आपको मोबाइल को यूज करना है तो आपको जेस्चर सेलेक्ट कर लेना है, वरना बटन तो आप यहाँ पर काम कर ही रहा है, बैक बटन है, होम बटन है और रिसेंस का बटन है। अब आप राइट हैंडर है तो ऑब्वियसली आप बैक बटन को राइट में रखना चाहते हैं, मगर अगर आप लेफ्ट हैंडर है तो आप चाहेंगे कि ये बैक बटन स्वैप होकर यहाँ आ जाए, तो यहाँ मिरर बटन से इसको आप इनेबल कर दीजिए, देखिए अब लेफ्ट हैंडर के लिए बैक बटन जो है वो लेफ्ट में आ जाता है। और इसके बाद आप चाहते हैं आईफोन की तरह जेस्चर को यूज करना तो बस यहाँ पर जेस्चर सेलेक्ट कर लीजिए, ये बोलेगा आपको सिखाने के लिए, मगर आप बता दीजिए कि मैजिकल टेक गुरु है आपको सिखाने के लिए, आपको जानने की जरूरत नहीं, बस नॉट नाउ कर दीजिए और देखिए ये जो बटन है ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा इंडिकेटर आ जाता है जो बताता है कि ये जेस्चर मोड में आ चुका है। तो जेस्चर मोड काम कैसे करता है, होम स्क्रीन पे जाना है, नीचे से ऊपर स्वाइप कर दीजिए, देखिए आप होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। अब नीचे से ऊपर स्वाइप करके आप बीच में होल्ड करके रखिए, देखिए आप यहाँ पर रिसेंट ऐप में आ जाते हैं, किसी भी ऐप को सिलेक्ट कर लीजिए, बैक जाना हो तो बैक बटन तो वहाँ है, लेकिन आप नीचे से जो बैक जाते तो वो कैसे जाएंगे, तो किसी भी एस से आप अंदर की ओर कीजिए, आप देखिए यहाँ पर बैक बटन बन जाता है और आप बैक चले जाते हैं। राइट की जगह आप लेफ्ट से भी करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर आप बैक बटन आ जाता है और आप बैक चले जाते हैं। एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे जाना है कोई फिक्र की बात नहीं है, यहाँ पर आप इस इंडिकेटर का यूज करेंगे, बस ऐसे करेंगे, देखिए आप एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में चले जाते हैं। अगेन जाना चाहे तो आप अगेन जा सकते हैं, आप उल्टा जाना चाहे तो उल्टा भी जा सकते हैं, और आपको कभी भी लगता है कि ये जो इंडिकेटर है ये नहीं रहना चाहिए तो अगेन आपको होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाना है, सिस्टम नेविगेशन में जाना है, जेस्चर में जाना है, और यहाँ
यहाँ पर हाइड फुल स्क्रीन इंडिकेटर को आपको इनेबल कर देना है। अग्नि ये बोलेगा आपको सिखाना है, मैजिकल टेक गुरु है आपको सिखाने के लिए, डोंट शो अगेन कर दीजिए, नॉट नाउ कर दीजिए और देखिए इंडिकेटर ये गायब हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट जेन फीचर की तरफ। तो आप जानते हैं आपके पोको F5 मोबाइल में आपको एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाता है, तो ऑब्वियसली आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके लिए सेटिंग्स में जाना है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले लॉक स्क्रीन में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बस यहाँ से इसको आपको इनेबल कर देना है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कितने देर के लिए काम करेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले आइटम में 10 सेकंड के लिए जब आप टैप करेंगे अपने स्क्रीन पे सिंगल टैप, डबल टैप करने पे आपका लॉक स्क्रीन आ जाएगा। बैक जाएंगे और आप देख सकते हैं कि क्या क्या आप कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप सिग्नेचर यानी कि कोई भी टेक्स्ट आप अपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में डाल सकते हैं, एनालॉग क्लॉक डाल सकते हैं, क्लीडोस्कोप डाल सकते हैं, डिजिटल क्लॉक चाहे तो वो दिखा सकते हैं या फिर कोई भी बैकग्राउंड इस तरह का मजेदार आप दिखाना चाहे दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए तो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं, अप्लाई करना है अप्लाई कर दीजिए और जो भी कस्टमाइजेशन करना है, यहाँ पर बैटरी दिखाना चाहते हैं, नोटिफिकेशन दिखाना चाहते हैं, टेक्स्ट कलर क्या होगा ये दिखाना चाहते हैं, तो बस अप्लाई कर देना है। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए आप जानते हैं बस आपको अपनी स्क्रीन को लॉक कर देना है, जैसा कि मैंने बताया सिंगल टैप करना है, तो सिंगल टैप करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिखा जाएगा जो 10 सेकंड के लिए दिखेगा, उसके बाद गायब हो जाएगा। हालांकि आप चाहें तो इसको हमेशा भी दिखा सकते हैं, उसके लिए एक सेटिंग्स है जो चेंज करना होता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कैसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आप चाहते हैं हमेशा के लिए देखना अपने पोको मोबाइल में। अब इसी में अगर बैक जाएंगे तो आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन इफेक्ट आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी। और इसके बाद रेस टू वेक है जिसको आपको जरूर से इनेबल करके रखना चाहिए, ताकि जैसे ही मोबाइल को आप अपने हाथ में ले तो ये मोबाइल ऑटोमेटिकली वेकअप हो जाए स्क्रीन, ताकि आपको कोई भी बटन ना दबाना पड़े जिससे आपका बैटरी ज्यादा यूज ना हो, जिससे आपका मोबाइल किसी भी तरह से हीटअप ना हो। ठीक इसी तरह से डबल टैप करना चाहते हैं टर्न ऑफ करने के लिए या वेक करने के लिए स्क्रीन को, तो यहाँ से इसको इनेबल कर दीजिए ताकि अगेन आपको कोई बटन ना दबाना पड़े, बस डबल टैप कीजिए तो आपका स्क्रीन ऑफ हो जाए, डबल टैप करे तो स्क्रीन ऑन हो जाए। इससे आपका बैटरी काफी बचता है और आपका मोबाइल जो है गर्म भी नहीं होता है, लाइफ ज्यादा होता है आपके मोबाइल का। इसके बाद आप देख सकते हैं ग्लांस फॉर MI है जिसको आपको इनेबल बिल्कुल भी करके रखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपका डेटा यूज करता है, आपके लॉक स्क्रीन पे हाई डेफिनेशन इमेजेस को डाउनलोड करता है जिससे आपका डेटा काफी ज्यादा यूज होता है, मोबाइल गर्म होता है और आपका रिसोर्सेज अननेसेसरीली वेस्ट होता है, जिसको आपको हमेशा इनेबल नहीं डिसेबल करके ही रखना चाहिए। और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं ये बताता है कि टू मेनी एड्स है, यानी ये एड भी देता है और आप नहीं चाहते हैं कि आपका मोबाइल का रिसोर्स अननेसेसरीली वेस्ट हो, इसलिए आपको यहाँ से टर्न ऑफ कर देना है। वापस से बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि लॉक स्क्रीन पे ही आपको क्लॉक का फॉर्मेट कैसा होगा यहाँ से आप डिजाइन कर सकते हैं। आप लॉक स्क्रीन पे ऐसा क्लॉक फॉर्मेट चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं, जैसे भी चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और लॉक स्क्रीन पे अगर आप कोई इन्फो चाहते हैं, जैसे आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं, आप अपना नाम दे सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे मैजिकल टेक गुरु दे देता हूँ, और शो सिग्नेचर ऑन लॉक स्क्रीन इसको यहाँ से इनेबल कर देना है, ओके कर देना है। फायदा क्या होगा, तो आप अपने स्क्रीन को जैसे ही लॉक करेंगे तो पहले तो आपको अपना ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिखेगा, डबल टैप करेंगे तो लॉक स्क्रीन दिखेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन का जो क्लॉक फॉर्मेट है ऐसा आपने सिलेक्ट किया था और यहाँ पर मैजिकल टेक गुरु लिखा हुआ आ जाता है। फायदा यह है कि अगर आपका मोबाइल गुम हो जाता है, कहीं खो जाता है, तो यहाँ पर नाम देखकर आपको कोई भी बता सकता है कि आपका फोन है, आपको वापस कर सकता है, या मोबाइल नंबर देख के आपको रिंग करके बोलेगा कि आपका फोन है, आपको वापस करना है। इसके बाद लॉक स्क्रीन में ही सबसे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे लॉन्च कैमरा है जिसको आप जरूर से इनेबल करके रखें, ताकि वॉल्यूम डाउन बटन को जैसे ही आप दो बार प्रेस करें तो कैमरा जो है इनेबल हो जाए जब भी आपका स्क्रीन लॉक है। तो चलिए फटाफट से चेक करते हैं ये काम करता है नहीं करता है, तो स्क्रीन को लॉक कर लेते हैं और ये वॉल्यूम डाउन बटन को दो बार जल्दी जल्दी प्रेस करते हैं, देखते हैं कैमरा ऑन होता है या नहीं होता, और आप देख सकते हैं कैमरा ऑन हो जाता है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट जेन फीचर की तरफ। हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी देखने को मिल जाता है, जिसमें फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है और यहाँ पर जो भी पासवर्ड है या पैटर्न है वो दे देना है। और जैसे ही आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं मल्टीपल फेसेस अब आप दे सकते हैं अपने मोबाइल को अनलॉक करने के लिए, जैसे कि मैंने दो दो दिया हुआ है, हालांकि दो से ज्यादा आप दे भी नहीं सकते हैं मगर दो भी ऑब्वियसली काफी है। और यहाँ पर अनलॉक यूजिंग फेस डेटा को इनेबल कर लेना है ताकि आप अपने मोबाइल को फेस से अनलॉक कर सकें। और ये बहुत जरूरी है कि स्टे ऑन लॉक स्क्रीन आफ्टर अनलॉकिंग को आप डिसेबल कर दीजिए, ताकि जैसे ही आपका फेस से अनलॉक हो तो आप अपने होम स्क्रीन पर डायरेक्ट आ जाए, आपको किसी भी बटन को दबाना ना पड़े, कोई भी तरह का स्वाइप ना करना पड़े। इसी में बैक जाएंगे तो आप देख सकते हैं प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसको आपको जरूर से इनेबल करके रखना ही चाहिए, ताकि आपको कोई भी डेटा आपके मोबाइल में हो, चाहे फोटोज हो, वीडियो हो, डॉक्यूमेंट हो, वो आप पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सके। फायदा यह है कि कोई भी थर्ड पार्टी ऐप या कोई भी तीसरा इंसान आपके मोबाइल के डेटा को, फोटो को, वीडियो को देख नहीं सकता, अगर आप इसको प्रोटेक्ट करके रखे हुए अपने प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड से। पहली बार ऑब्वियसली आपको बोलेगा पैटर्न ड्रॉ करने के लिए, तो आपको पैटर्न ड्रॉ कर देना है। अगेन ये बोलेगा ताकि कंफर्म करने के लिए कि पैटर्न सही है, बस आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। और ये अगेन बोलेगा शाओमी अकाउंट ऐड करने के लिए, बहुत ही डीट है, नॉट नाउ कर दीजिए। और आप देख सकते हैं प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड में क्या क्या आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो फोटोज है, फाइल्स है, नोट्स है, ऑब्वियसली वीडियोस को भी आप यहाँ कर
कर सकते हैं। अब पोको मोबाइल में एक बहुत ही कमाल का चीज आपको देखने को मिलता है, ऐप ड्रॉअर में जाएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको फाइल मैनेजर देखने को मिल जाता है, फाइल मैनेजर में जाएंगे और ऊपर से नीचे जब आप स्वाइप करेंगे तो आप देखेंगे रिलीज टू रिफ्रेश है और थोड़ा और नीचे करेंगे तो रिलीज टू व्यू प्राइवेट फाइल्स है। तो बस आपको ऐसे कर देना है और देखिए ये बोलता है पासवर्ड सिलेक्ट करने के लिए ताकि आप अपने प्राइवेट फाइल को देख सके। अगेन ये बोलेगा शाओमी अकाउंट को ऐड करने के लिए मैंडेटरी नहीं है, आप डोंट आस्क करके कैंसिल कर दीजिए और पैटर्न जो है अपने मोबाइल का वो दे दीजिए और जैसे ही आप पैटर्न देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइवेट फाइल को व्यू कर सकते हैं। और फाइल को यहाँ पर ऐड कैसे करेंगे तो ये थ्री डॉट्स के मेनू में जाना है, ऐड फाइल करना है और अपने मोबाइल से आप अपने फाइल को ऐड कर सकते हैं। फायदा ये होगा कि ये प्राइवेट में आपका सेव हो जाएगा, सिर्फ आप देख सकते हैं, दुनिया का कोई भी थर्ड पार्टी ऐप या तीसरा इंसान इन फाइल्स को नहीं देख सकता है जो कि बिल्कुल प्रोटेक्टेड है। अब चलिए आपके पोको मोबाइल के कैमरा फीचर्स को भी देख लेते हैं कि इसमें क्या आपको हिडन फीचर टिप्स एंड ट्रिक्स देखने को मिलता है। तो बाय डिफॉल्ट आप फोटो में खुलता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको थ्री लाइंस का मेनू मिल जाता है जिसमें आपको सारा ग्रिड लाइन मैक्रो मूवी फ्रेम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। टिल्ट शिफ्ट आप यहाँ से कर सकते हैं और ये कमाल का चीज नहीं, कमाल का चीज ये है कि यहाँ पर आपको फिल्टर देखने को मिल जाता है जिसमें आपको मूवी फिल्टर भी देखने को मिल जाता है जो पोको में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें आप अपने फोटोज को बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप बैक जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है वीडियो का, जिसमें अगर आप थ्री डॉट्स के मेनू में जाएंगे तो आप देख सकते हैं 4K 30fps पे ये रिकॉर्डिंग कर सकता है। रियर कैमरा से 60fps का सपोर्ट आपका प्रोसेसर करता है मगर पोको ने इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है 30fps पे, क्यों किया है मुझे नहीं पता, उसको जल्दी से OTA अपडेट के थ्रू 60fps दे देना चाहिए 4K रिकॉर्डिंग में। और फ्रंट कैमरा की बात करें तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि आपको 1080p 30fps और 60fps दोनों का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, 4K का सपोर्ट फ्रंट में देखने को नहीं मिलता है जो कि मिलना चाहिए, अगेन प्रोसेसर सपोर्ट करता है, पोको ने इसको रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। और यहाँ राइट में आएंगे मोड में तो आप देख सकते हैं आपको वेरियस मोड देखने को मिल जाता है जिसमें वीलॉग मोड है जो बहुत ही कमाल का चीज है, आप बहुत ही आराम से टेम्पलेट के थ्रू वीलॉग बना सकते हैं मगर इसमें जो काम का चीज है वो नहीं दिया गया है, जैसे इसमें क्लोन मोड नहीं दिया गया है, इसमें डुअल वीडियो मोड नहीं दिया गया है जो इसको बिल्कुल देना ही चाहिए था। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं ये पोको का काफी पुराना डिवाइस है मगर इसमें आपको क्लोन मोड देखने को मिल जाता है, डुअल वीडियो मोड देखने को मिल जाता है, वीलॉग मोड तो देखने को मिलता ही मिलता है। तो चलिए इस डिवाइस पे वापस आ जाते हैं और यहाँ पर एक कमाल का चीज आपको डॉक्यूमेंट्स मोड में देखने को मिल जाता है जिसमें आप ओरिजिनल मोड में डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं, आप फोटो ले सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में फोटो ले सकते हैं या एनहांस में फोटो ले सकते हैं। और कमाल का चीज ये नहीं है, कमाल का चीज ये है कि ऊपर में जो छोटा सा आइकॉन दिया हुआ है जिसमें आप प्रोटेक्टिव वाटर मार्क भी यहाँ पर डाल सकते हैं, बस यहाँ पर टेक्स्ट को आपको एंटर कर देना है और जो भी टेक्स्ट यहाँ पर आप देना चाहते हैं, जैसे मैं मैजिकल टेक गुरु देना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैजिकल टेक गुरु दे दूंगा। और 14 कैरेक्टर देने के बाद बस आपको यहाँ पे ओके कर देना है और यहाँ पर आपको मैजिकल टेक गुरु आप देख सकते हैं वाटरमार्क देखने को मिलेगा, तो जिससे आपका डॉक्यूमेंट जो है बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो जाएगा वाटरमार्क के थ्रू। अब कैमरा के बाद चलिए गैलरी के कुछ हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स फीचर्स देख लेते हैं कि आपको क्या क्या यहाँ पे फीचर देखने को मिलता है जो कमाल का है। तो एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से एडिट करने की कोशिश करते हैं और आप यहाँ पर AI में जाते हैं तो आप देख सकते हैं आपको वेरियस ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जिसमें स्काई है जो बहुत ही कमाल का ऑप्शन है, यानी कि पीछे जो स्काई है इसको आप यहाँ पर बहुत आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं AI के माध्यम से। क्लियर स्काई चाहते हैं तो देखिए ये बिल्कुल क्लियर स्काई यहाँ पर आ जाएगा, ये थोड़ा सा अपना काम करेगा और साथ में फोटो को भी आपको अकॉर्डिंगली अडेप्ट कर देगा ताकि ये फोटो बिल्कुल नेचुरल लगे, जरा सा भी एडिटेड ना लगे। सनी डे चाहते हैं तो आप यहाँ पे सनी डे कर सकते हैं मगर ये चूंकि शाम का पिक्चर है तो आप कोई शाम का पिक्चर चाहेंगे तो यहाँ से आप कोई भी शाम का पिक्चर सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे डस्क है आप यहाँ पर डस्क सिलेक्ट कर सकते हैं या सनसेट है तो सनसेट सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए सनसेट कितना बढ़िया इसमें काम कर रहा है, पीछे सी है, सी के पीछे सनसेट का बहुत ही अच्छा आपको AI के थ्रू पिक्चर देखने को मिल जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप एनिमेटेड चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एनिमेशन भी देखने को मिल जाएगा, एग्जांपल के लिए फायरवर्क्स आप चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको फायरवर्क्स देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये फोटो को थोड़ा सा डल कर देगा ताकि जब फायरवर्क्स होगा तभी ये लाइट अप करेगा आपके पिक्चर को, वरना स्नो चाहते हैं तो आप स्नो कर सकते हैं और देखिए स्नो यहाँ पर गिरना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आप स्काई के थ्रू अपने पिक्चर को बहुत अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हैं, स्काई को काफी लाइवली बना सकते हैं। तो अब चलिए गैलरी में दूसरे फीचर की तरफ चलते हैं जो आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगा, इसको भी आपको एडिट करना है, किसी भी पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है, AI में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इरेज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसमें ये बताता है क्या इरेज करना है। मैनुअली भी आप इरेज कर सकते हैं, लाइन इरेज कर सकते हैं, पीपल को आप इरेज कर सकते हैं जो अनवांटेड पीपल आपके पिक्चर में है, या फिर आप फूड का फोटो लिए हैं उसके शेडो को इरेज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ रिमूव पीपल को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि नहीं पिक्चर में जो भी पीपल है, आप देख सकते हैं दो है यहाँ पे, दो दिखा देता है। सपोज करना है मेरे को इसको उड़ा देना है यानी इरेज कर देना, बस इसको आप टैप कर दिए, देखिए ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता है, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए और देखिए ये
यही काम करना शुरू कर देता है और ये उड़ा देता है और आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलता है कि यहाँ साथ में कोई खड़ा था। तो इस तरह से आप इरेज कर सकते हैं अपने अनवांटेड चीजों को अपने फोटो से और आपको किसी भी तरह का एडिटिंग एक्सपर्ट होने का जरूरत नहीं है। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया पुण्य का काम है, करते रहना चाहिए, थोड़ा पुण्य और कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए ताकि हम जब भी ऐसे ऐसे मजेदार और नॉलेजफुल वीडियोस लाते हैं आपको सबसे पहले पता चल सके। और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर बताइए कि आपको ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स कैसे लगे। कमेंट सेक्शन में आप हमको बता सकते हैं कि कौन सा टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर आपको सबसे बढ़िया लगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हमेशा की तरह जय हिंद जय भारत।